सो हे गाइस, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले लॉन्च हो चुका है पोको F6, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। और हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो यहाँ पे देख सकते हैं 12 GB रैम, 512 GB पोको F6 का टाइटेनियम कलर आया है। अब यहाँ पे IMEI नंबर मेंशन, इसलिए मैं हाथ से इसको हाइड कर दिया हूँ। देख सकते हैं पोको F6 विथ योर फेवरेट गूगल एप्स, और यहाँ पे भी पोको F6 मेंशन है। टॉप का यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉक्स है और पीछे से यहाँ पे ये येलो कलर का बॉक्स है। अब ये जो वीडियो गाइस लॉन्च से 2-3 दिन पहले शूट हो रहा है, इस वजह से प्राइसिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो प्राइसिंग का जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पोको F6 फाइनली लॉन्च हो चुका है, और ये जो है हमारे पास ग्लोबल यूनिट है, इंडियन वाला यूनिट नहीं है। मतलब पोको ग्लोबल जो अदर कंट्रीज में गया है वो वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया वाला यहाँ पे नहीं है, इंडियन वालों ने हम लोग को नहीं भेजा है। यहाँ पे देख सकते हैं पोको का येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे पोको की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये है पेपर बॉक्स और केस वाला बॉक्स, उसके नीचे देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ़ोन को हम निकालेंगे सबसे पहले बाहर, और ये फ़ोन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ ऑन कर रखा है गाइस, इस वजह से इसमें मैंने वापस से रीपैक किया है, क्योंकि अनबॉक्स तो मैंने पहले ही कर दिया था। फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 क्रिस्टललेस 120Hz फ्लो एमोलेड डिस्प्ले, 90W टर्बो चार्जिंग, 50MP कैमरा विथ OIS। अब इंडिया में कितना वाट का चार्जिंग है उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसका इंडिया वाला स्पेक्स, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन यहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप बाइक कर सकते हैं। देख सकते हैं पोको F6 यहाँ पे देखने को मिलता है टाइटेनियम कलर में। फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को बॉक्स में। यहाँ पे देख सकते हैं 90 वाट का चार्जर है, और ये USB-C to USB-A का केबल देखने को मिलता है। अब इंडिया में पता नहीं 90 वाट का चार्जर शिप करेंगे या 120 वाट, उसके बारे में भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट ग्लोबल में मेरे को 90 वाट का चार्जर देखने को मिला है। और बॉक्स कंटेंट को यहाँ पे रखते हैं साइड में, ये आपका वही ओरिजिनरी केबल देखने को मिल जाता है ऑरेंज कलर के एक्सेंट के साथ। और इसमें बात करेगा इस क्या देखने को मिलता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा पहले तो सिम इजेक्टर टूल, बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे उसी टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं केस देखने को मिल जाता है, जो कि है ग्रे कलर का। यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, अच्छा हुआ ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन वाला केस नहीं मिला, क्योंकि वो जल्दी यहाँ पे येलो हो जाता है। अंदर में भी पोको डिज़ाइन बाय पोको देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे वारंटी कार्ड और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इन सब को भी हम रखेंगे यहाँ पे गाइस साइड में, और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे। फ़ोन को यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है टाइटेनियम कलर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे 50MP OIS पोको की ब्रांडिंग है, और ये ग्लोबल यूनिट है, इस वजह से नीचे में यहाँ पे मॉडल नंबर और ये सब देखने को मिलता है। 50MP का ये कैमरा देखने को मिल जाता है, ये जो है यहाँ पे 8MP का है, और ये जो है रिंग कलर रिंग फ्लैश लाइट देखने को मिलता है, ये कोई कैमरा नहीं है। इस बार पोको F6 में डुअल कैमरा ही देखने को मिलता है। अब फ़ोन को हम केस में लगा लेंगे गाइस, ताकि यहाँ पे गंदा ना हो। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिस्प्ले देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे HyperOS रन कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ HyperOS का सबसे बेस्ट वाला फीचर, जब हम इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। खैर, HyperOS के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, इसमें HyperOS के कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। अब फ़ोन को तो गाइज मैं यहाँ पे लास्ट 2-3 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का। और अच्छी बात यह है कि गाइज इस बार पोको लॉन्चर जो है इसमें यहाँ पे मच इम्प्रूव्ड है, सिमिलर टू MIUI का सिस्टम लॉन्चर जो था, मतलब HyperOS का, उसके जैसे ही यहाँ पे पोको लॉन्चर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप राइट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पोको लॉन्चर, जो कि मैं ऐप ड्रॉवर पसंद नहीं करता, मुझे ऐप ड्रॉवर सही नहीं लगता है, मुझे क्लासिक डिज़ाइन सही लगता है, इस वजह से ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पोको लॉन्चर। साथ ही साथ यहाँ पे विजेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, नए वाले, पुराने वाले विजेट्स यहाँ पे नहीं है। और बात करें यहाँ पे ऐप मतलब ऐप वर्ल्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पोको लॉन्चर में। और उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ अबाउट फोन। यहाँ पे देख सकते हैं Xiaomi HyperOS रन कर रहा है, जो कि देख सकते हैं 1.0.3 UNPMIXM एंड्रॉयड 14 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मेरे पास 512 GB वेरिएंट है, जहाँ पे 53 GB ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और उसमें से मेरे को 474 GB अवेलेबल देखने को मिलता है। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम 9.38 GB यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो एक्स्ट्रा फीचर्स में सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले की। फ़ोन का डिस्प्ले जो है काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। मैं कवर निकाल कर एक बार आपको बेजल्स दिखा देता हूँ, किस तरह से आपको बेजल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेजल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग, मतलब बेजललेस डिस्प्ले यहाँ पे मैं बोलूँ तो लगता है। पोको F5 में था वो भी बढ़िया बेजल्स देखने को मिलता था, बट इसमें जो है बेजल उससे भी ज़्यादा कम है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस।
कुछ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फ़ोन का बेजल देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक एडवांस फीचर भी है जो कि फ्लैक्सिप हाइपरओएस का फीचर है, जो कि एडवांस टेक्सचर। ये क्या करता है गाइस, आपको फोल्डर ब्लर, कंट्रोल सेंटर ब्लर, नोटिफिकेशंस ब्लर, ये सब में बहुत ही बढ़िया लुक यहाँ पे देखने को मिलता है इसको आप ऑन करेंगे तो। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप F6 बाय करने वाले तो इस फीचर को जरूर ट्राई करिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें रिफ्रेश रेट की, रिफ्रेश रेट यहाँ पे देख सकते हैं आपको 60 हर्ट्स, 120 हर्ट्स देखने को मिलता है। फिर स्पेसिफिक ऐप में रिफ्रेश रेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे यूज़ करें, ताकि वो ऑटोमेटिक आपका रिफ्रेश रेट चेंज करते रहे और बैटरी में कोई इशू ना आए। उसके बाद AI इंजन देखने को मिल जाता है, इमेज इंजन, यहाँ पे HDR इन्हेंसमेंट और सुपर रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फोन में यहाँ पे 1.5K डिस्प्ले है, इस वजह से यहाँ पे सुपर रिजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फॉन्ट सेटिंग देख सकते हैं, वही Xiaomi Sans डिफॉल्ट फॉन्ट, ये सब देखने को मिलता है, और उसका वेट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कलर स्कीम की बात करूँ तो बहुत सारे कलर स्कीम देखने को मिलते हैं, विविड, सेचुरेशन, एडवांस सेटिंग्स, ओरिजिनल कलर प्रो, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें, ताकि ये आपको जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस और लुक है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देगा। ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, डार्क मोड देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलता है। इस फ़ोन की मेरे को जो है गाइस बेजल्स काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे देखने को लगा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाइपरओएस पे ये डिवाइस रन कर रहा है पोको का F6, और मैं कवर लगा लेता हूँ ताकि गंदा ना हो, बट कवर में भी देख सकते हैं आपको बेजल्स उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। कवर आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव केस के भी तरह काम आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा केस बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को लगता है। और ये रहा मेरा होम स्क्रीन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पोको F6 का। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करेंगे स्पीकर की। तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ Xiaomi का साउंड, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका मैं कुछ प्ले करके दिखाऊँ NCS का, तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे टॉप पे है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे एक आपको बॉटम में देखने को मिलता है, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है। माइक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे माइक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, ये IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, TV, AC, रिमोट, जो भी आप यहाँ पे कंट्रोल करना है कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में यहाँ पे गाइस आपको 1.5K का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। HDR प्लेबैक यहाँ पे मैंने प्ले किया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ब्राइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक है HDR प्लेबैक में। HDR प्लेबैक में आपका जो ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स का शायद है, और नॉर्मल ब्राइटनेस जो है वो 1000 निट्स का देखने को मिलता है। बट HDR प्लेबैक यहाँ पे वीडियो जो है वो हम लोग डेली तो प्ले करते नहीं है, तो नॉर्मल वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1000 निट्स का देखने को मिलता है। ये गाइस पोको F6, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले इसका देखने को मिलता है, जो कि 1.5K का देखने को मिलता है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, और देख सकते हैं 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो गाइस इसके बैक डिज़ाइन की, तो बैक डिज़ाइन यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को डुअल कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे रिंग वाला फ्लैशलाइट देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो थर्ड वाला सर्कल है वो कैमरा नज़र आता है, बट वो कैमरा नहीं है, वो सिंपल सा प्लास्टिक लगाया हुआ है, और रिंग वाला फ्लैशलाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला वाला कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो गाइस कैमरा सैंपल है वो यहाँ पे मैं अटैच कर दे रहा हूँ, तो कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा गूगल ड्राइव में भी इसका कैमरा सैंपल जो है अटैच करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कैमरा सैंपल से देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो कैमरा सैंपल्स आपको कैसा लगा गाइज वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये है पोको F6। अब इसका हाइपरओएस टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो यहाँ पे मैं जल्दी ला दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइज इसके परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। अब ये जो प्रोसेसर है काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे इसके गीक बेंच और बाकी एंटूटू ये सब का स्कोर यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ट्राई किया था। तो मेरा स्कोर देख सकते हैं यहाँ पे 1,379,794 का यहाँ पे देखने को मिलता है,
जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सीपीयू का स्कोर है 35,000, जीपीयू 4,73,000, सीपीयू जो है 3,51,000 है, और बाकी ये सब देखने को मिलता है। टेम्परेचर देख सकते हैं, जब इसको टेस्ट कर रहा था मैं 46 डिग्री पे चला गया था, और ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैंने इसमें आपको UFS 4.0 का स्टोरेज देखने को मिलता है, और LPDDR5X का 12GB का रैम देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया था, उसका स्कोर कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 179,824, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्कोर देखने को मिलता है। रीड स्पीड देख सकते हैं 47,000, राइट स्पीड देख सकते हैं 36, और रैंडम एक्सेस देख सकते हैं रैम का 96,000 देखने को मिलता है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। और ये रहा आपका N22 का स्कोर। अब बात करते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ मैंने ट्राई किया था, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में मैक्स आउट लिख के आ गया था, योर डिवाइस इज टू पावरफुल फॉर दिस टेस्ट, वी रिकमेंड यूजिंग वाइल्ड लाइफ। अब इसका जो है इस फोन का नेक्स्ट अपडेट आएगा, उसके बाद मैं फिर से ये सब ट्राई करूंगा, और परफॉर्मेंस का एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे वीडियो ला दूंगा, पोको F6 का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। और हाँ, अगर आपको कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए किसी दूसरे टॉपिक्स पे, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। गीक बेंच की स्कोर की बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, सिंगल स्कोर में 1742, मल्टी स्कोर में देख सकते हैं 4450, एंड्रॉयड 14, पोको F6 पेरीडॉट कोड नेम है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट ईयर पोको F5 का देख सकते हैं 1457 था, इस बार 1700 के आसपास है। ये मेरे ख्याल से किसी किसी लोगों का 1900 के आसपास भी गया था। अब मेरे ख्याल से मैं फिर से रीटेस्ट करूँगा, तो न्यू वीडियो में मैं दिखा दूंगा क्या स्कोर रहा फिर से गीक बेंच, N22, इन सब का, और वाइल्ड लाइफ का भी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा आपका गाइस स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग के लिए मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो ला दूंगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा, और देख सकते हैं गाइज, यही है आपका पोको F6। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी गाइज, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख सकते